अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। तो फाइनली दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि दोस्तों मेरा जो है स्कूटनी रिजल्ट जैसे देखने जाते हैं तो इस टाइप का यहाँ दिखा रहा है, यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर स्कूटनी सक्सेसफुली। ये दोस्तों मैं कमेंट आया था इसके कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं स्कूटनी पर अब वीडियो नहीं बनाने वाला था। यहाँ पर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि ये जो है ये इस टाइप का लिखा रहा है, यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर स्कूटनी सक्सेसफुली। तो ऐसा क्यों दिखा रहा है दोस्तों? तो मैं आप लोगों को एक रीज़न है, और दोस्तों जिसका नो चेंज दिखा रहा है दोस्तों, स्कूटनी अप्लाई करने के बाद रिजल्ट देखने खोलते हैं तो नो चेंज दिखा रहा, तो उसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए बिहार बोर्ड जुड़ी खबरें पाने के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर दबाइएगा ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो यहाँ पर यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर स्कूटनी सक्सेसफुली क्यों दिखा रहा है, तो चलिए देखते हैं क्यों दिखा। तो सबसे पहला रीज़न आपको बता दूँ इस टाइप का क्यों लिखा था, अगर आपने स्कूटनी के लिए अप्लाई नहीं किया था फिर भी आप स्कूटनी रिजल्ट देख रहे हैं तो आपका जो है स्कूटनी रिजल्ट में इसी टाइप का दिखाएगा। अगर आपने स्कूटनी के लिए अप्लाई किया था फिर भी ये दिखा रहा है तो आप लोग यहाँ सही सही नहीं भरे। देखिए यहाँ पर कैपिटल सभी चीज़ भरना है, उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दी इसके कारण मेरा भी लिखा रहा था। तो देखिए यहाँ पर 18 नहीं होगा, यहाँ 19 होगा, यहाँ पर 9 लिखा है, तब जो यहाँ पर अगर मैं खोलूँगा तो खुल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सही से यहाँ भर के तब खोलेगा। देखिए आप लॉगिन करेंगे तो ये देखिए खुल रहा है, यहाँ पर नेट कनेक्शन ऑन कर देते हैं उसके बाद खोलते हैं। तो यहाँ जैसे लॉगिन करिएगा तो आप देखिए अब खुलेगा। देखिए यहाँ पर मैंने सही सही भरा तब खुल गया, और यहाँ पर बता दें नो चेंज अगर लिखा रहा है कि सब सब्जेक्ट में, तो आप लोग को बता दें आप लोग स्कूटनी के लिए अप्लाई किए लेकिन जितना आप लोग लिखे थे पेपर में लिख के आए तो उतना ही मार्क्स बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया और नहीं बढ़ाया। जैसे यहाँ पर चेंज लिखा है इसमें जो है कुछ बिहार बोर्ड की मार्क्स मार्किंग इसकी में गलती हो गई थी, इसके कारण जो है यहाँ पर आपका मार्क्स कम आया था तो यहाँ पर बढ़ गया, लेकिन नो चेंज लिखा है इसका मतलब आपने जितना लिखा था जितना आपका नंबर आना चाहिए था उतना दिया गया, इसके कारण जो है स्कूटनी करने के बाद भी नो चेंज लिखा रहा है। आई होप आप लोग को डाउट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।